नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, ये स्मार्ट टीवी का। अगर आप स्मार्ट टीवी लेना चाहते हो 32 इंच के अंदर, तो लेटेस्ट मॉडल आ चुका है एलजी का 2024 के अंदर। अगर आप देखोगे आज की डेट में सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इसमें बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में क्या क्या फीचर है इसमें, उसकी पूरी जानकारी मिलेगी और क्या क्या आप इसमें प्ले कर सकते हो। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, आप वीडियो बने रहिए मेरे साथ। इसमें आपको मॉडल नंबर से लेके प्राइस से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा कोई नया वीडियो आएगा आपको तुरंत मिल जाएगा। ये एलजी का 32 इंच का सबसे लेटेस्ट मॉडल है और सबसे स्लिम बॉर्डरलेस पैनल है, जो कि आज की डेट में अगर आप देखोगे सबसे कम पावर कंजप्शन के साथ आया है। ये 68 यूनिट पूरे साल की इसकी लाइट कंजप्शन है। और इसका जो मॉडल नंबर है 32LQ645PTA 2024 का सबसे नया मॉडल है, तो पावर कंजप्शन भी कम लेगा और अच्छी क्वालिटी भी आपको मिलेगी। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ क्या क्या आप कर सकते हो। इसका जो प्रोसेसर है A5 Gen AI प्रोसेसर है, बेजलेस डिजाइन है, वाईफाई इनबिल्ट है, वेब ब्राउजर भी इसके अंदर है, SDR10 इसके अंदर आपको मिल जाएगा, वर्चुअल साउंड जो इसकी है 5.1 है, गेम ऑप्टिमाइजर भी आपको इसके अंदर मिलता है, EARC भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वेब OS सिस्टम है, जो कि आज की डेट में देखोगे सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्ट चलने वाला है। AI ThinkU इसके अंदर आपको मिलता है, एप्पल होम किट, एप्पल एयरप्ले, ये सारे जो फीचर्स हैं आपको LG के इस TV के अंदर मिलने वाले हैं। और इसके अंदर बहुत सारे ऐप भी आपको ऐप स्टोर भी मिल जाएंगे, जो कि आप डायरेक्ट प्ले कर सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, सोनी लिप, G5, MX प्लेयर, NTV, YouTube, जियो सिनेमा, डिस्कवरी, ये सारी एप्लीकेशन भी आपको इसके मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे और भी एप्लीकेशन हैं जो इसमें आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मिल जाएंगे देखने को। अपने हिसाब से आप वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है। जब आप वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो सारी चीज़ें आप प्ले कर पाओगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी में USB पोर्ट है, HDMI कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ है, वो भी आपको सारी चीज़ इसमें देखने को मिल जाएगी। कोई भी चीज़ आप प्ले करना चाहो कर सकते हो। इसके अंदर आपको 8 से ज़्यादा पिक्चर मोड हैं, अलग अलग अपने हिसाब से आपने क्या प्ले करना है, क्रिकेट का है, गेमिंग का है, मूवी का है, या फिर और कोई चीज़ आप प्ले करना चाहो तो उसके लिए आपको अलग अलग ब्राइटनेस, अलग अलग कलर सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, केवल आपने मोड को ही चेंज करना है। जैसे विविड है, स्टैंडर्ड है, इनमें ऑटोमेटिक सेटिंग होती है, तो आपने केवल सिलेक्ट करना है, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट सारा चीज़ सेट हो जाता है, चाहे वो ब्राइटनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, कलर हो, सब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। साउंड आउटपुट की बात करेंगे तो वो भी अच्छी है, नॉर्मल जो होती है 16 वाट के साउंड स्पीकर होते हैं, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। वायरलेस कनेक्ट करना चाहो कोई चीज़, वो भी आप कर सकते हो। और सेटिंग में जाके आप साउंड से लेकर के सपोर्ट में, कोई चाहे पिक्चर है, साउंड क्वालिटी है, अपने हिसाब से वो सब एडजस्ट आप कर सकते हो। आज की डेट में अगर देखेंगे इतने सारे फीचर्स के साथ में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ में कोई भी टीवी इस रेंज के अंदर नहीं आएगा। ये एलजी का टीवी आपको 16,000 की रेंज में मिल जाएगा। पिक्चर क्वालिटी आपके सामने आप देख रहे हो, बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी है। चाहे आप इसमें कंटेंट HD वाला चलाओ, चाहे आप नॉर्मल चलाओ, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी, किसी ब्रांड से आप कंपेयर करोगे। और रेंज भी कोई ज़्यादा नहीं, ये सबके बजट में आने वाला टीवी है, कोई भी आप इसको ले सकता है। और ये लेटेस्ट मॉडल भी है आज की डेट में, अगर आप देखोगे सबसे बेस्ट मॉडल है वो सारे फीचर्स के साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक कर दें और